बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबी व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इम्तहानात कंडक्ट करवा लिए गए तो आप तमाम तलबा की जानिब से एक सवाल बारह पूछा जा रहा है कि सर हमारा रिज़ल्ट कब जारी होगा। इससे कबल मैं आपको दीगर जो तालीमी बोर्ड्स हैं उनके रिज़ल्ट के मुतालिक बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो लाहौर बोर्ड के मुतालिक बात करेंगे। वो तलबा जिन्होंने लाहौर बोर्ड से मैट्रिक यानी दसवीं क्लास के इम्तहान दिए थे और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं। क्योंकि दिगर जो तालीमी बोर्ड्स हैं पंजाब के, उनकी जानिब से जो डेट अनाउंस की गई है वो 16 अक्टूबर बताई गई है, तो लाहौर बोर्ड भी पंजाब में शुमार होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अमकान हैं कि लाहौर बोर्ड भी मैट्रिक यानी दसवीं क्लास के तलबा का जो रिज़ल्ट जारी करेगा वो 16 अक्टूबर को, यानी वो तलबा जिन्होंने लाहौर बोर्ड से दसवीं क्लास के इम्तहान दिए थे वो अपना रिज़ल्ट लाहौर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से 16 अक्टूबर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रिज़ल्ट ilmkidunia.com पर भी चेक कर सकते हैं। मैं एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर 16 अक्टूबर को क्लिक करके अपना जो रोल नंबर है वो पुट करके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा है। जैसा कि आज इस बार फैसला किया गया था कि तमाम तलबा को पास कर दिया जाएगा, यानी जो दसवीं क्लास के बच्चे हैं उनमें से कोई भी फेल नहीं होगा, तमाम तलबा को लाजमन पास कर दिया जाएगा, किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। ये फैसला तमाम मुजरे तालीम की जानिब से मुतफिका तौर पर किया गया कि तमाम तलबा को लाजमी पास कर दिया जाना चाहिए, किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार बच्चा कोई फेल होता है तो दूसरी बार कोरोना की वजह से इम्तिहानात कंडक्ट करवाना मुश्किल होंगे और तलबा को पढ़ने का वक्त भी कम मिला था। गो के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ इख्तियारी मजामीन के इम्तिहानात कंडक्ट किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला किया गया जिन बच्चों के मार्क्स 33% से कम होंगे उनको इजाफी मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। लिहाजा आप तमाम तलबा पास होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनका यकीन रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बहुत से तलबा ये सवाल करते हैं कि सर दसवीं के बाद कौन से सब्जेक्ट का इंतखाब करें, कौन से करियर को चूज़ करें। इसके लिए मैं आपको चंद वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद यकीन आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपने इंटरेस्ट के लिहाज से कौन से करियर का इंतखाब करना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो इसके लिए मज़ीद तलीमी खबरों के हवाले से आगाह रहने के लिए आप हमेशा देखते रहिए इल्म की दुनिया, और आपके लिए तलीम के हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी हम लाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।